रेनबो फैमिली, वेलकम बैक टू माय रेनबो वर्ल्ड। तो आज मैं काफी टाइम के बाद एक अनबॉक्सिंग वीडियो लाई हूँ और ये है पर्पल हॉल के बारे में। तो मैंने रिसेंटली कुछ परचेस किया था पर्पल से, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ उसकी अनबॉक्सिंग की जाए और आपको बताया जाए कि मैंने क्या क्या परचेस किया है और क्या डिस्काउंट मुझे मिले हैं, ताकि आपके लिए भी थोड़ा हेल्प हो जाए कि मुझे इतने अच्छे डिस्काउंट्स मिले हैं। तो मैं चाहती थी, बहुत एक्साइटेड थी आपके साथ शेयर करने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट गेट स्टार्टेड। तो मैंने देखिए इतना बड़ा बॉक्स मंगाया है पर्पल का। ज्यादा सामान नहीं है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स मेरे थे बड़े, तो वो इसके वजह से इतना बड़ा बॉक्स आया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं गाइस। फर्स्ट मैंने मंगाया है स्विस ब्यूटी का ब्रश सेट। तो आप देख सकते हो ये बहुत ही अमेजिंग सा है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है ना, क्या अगर सपोज आप को मेकअप के बारे में आइडिया नहीं है, आप बिगनर्स हो और आप पता नहीं कौन सा ब्रश किस लिए यूज होता है, तो इसमें सारा मेंशन किया हुआ है। तो ये इसमें मेंशन किया हुआ है, ये है कॉम्पैक्ट ब्रश। कॉम्पैक्ट यानी लूज पाउडर एंड कॉम्पैक्ट। आप पाउडर सेट कर सकते हो अपना, मतलब फाउंडेशन इससे सेट कर सकते हो आफ्टर लूज पाउडर से एंड फाउंडेशन लगाने के बाद। तो ये इसकी ना क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग सी है। समटाइम कुछ कुछ की ना क्वालिटी अच्छी नहीं होती है ब्रश की, मतलब ये निकलने लगता है, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, आप देख सकते हो। और इसके हैंडल्स भी बहुत ही अच्छे हैं, ग्रिप बहुत अच्छा है इसका। फिर ये है फाउंडेशन ब्रश, इसमें सब मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, और ये इसके नंबर्स भी दिए हुए हैं। फिर ये है फ्लैट सा कंसीलर ब्रश, लेकिन ना फ्लैट सा कंसीलर ब्रश मैं यूज नहीं करती हूँ। इसको आप पिक करने के लिए, प्रोडक्ट पिक करके लगाने के लिए यूज करिए, लेकिन आप फ्लफी ब्रश से आप सेट करते हो ना कंसीलर, तो बहुत अच्छे से सेट होता है, क्योंकि आपकी जो क्रीज लाइन पे है ना, अच्छे से अगर आप फ्लफी ब्रश से करोगे तो अच्छे से सेट होगा, इससे नहीं होता। फिर यहाँ पे है ये आई शेडो ब्रश, ये ब्लेंडर ब्रश है, ये भी लिखा हुआ है इससे ब्लेंडिंग की जाती है, एंड जिससे आप प्रोडक्ट पिक करते हो वो ये ब्रश है आई शेडो का। और लास्ट में है हमारा आईब्रो के लिए, तो इसमें सारी चीजें दी हुई है, हाइलाइटिंग एंड लैश ब्रश। तो ये बहुत अच्छी चीज है, क्या इसमें सारी चीजें मेंशन की हुई है। तो अगर आप बिगनर्स हो तो आप ब्रश सेट के लिए जा सकते हो, नहीं तो आप 200 के ब्रश सेट के लिए भी जा सकते हो अगर आप बिगनर्स हो। ऐसा जरूरी नहीं है आपको इसी ब्रश सेट के लिए जाना है। मैंने एक जस्ट इसमें लिखा हुआ है, कुछ ब्रशेस में लिखा नहीं होता है, काफी ब्रशेस में नहीं लिखा होता है कि किस लिए वो यूज होता है। देखिए आपके यूज करने के ऊपर है, मैं तो एक ब्रश के साथ ना सारा प्रोडक्ट यूज कर मतलब लगा लेती हूँ। अभी यही ब्रश के साथ मैं फाउंडेशन भी लगा सकती हूँ, पाउडर भी लगा सकती हूँ, अपना ब्लश भी लगा सकती हूँ, हाइलाइटर भी लगा सकती हूँ, डिपेंड करता है आप कैसे इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो इसका एक्चुअल कॉस्ट है 1099, लेकिन मुझे ये मिला है पर्पल से 714 में, तो ये मुझे इसका डिस्काउंट मिला है। तो ये अब हम साइड में रखते हैं। अब दूसरा प्रोडक्ट मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या परचेस किया। तो मैंने परचेस किया है वेगा का स्ट्रेटनिंग मशीन एंड कलर मशीन। तो मेरे पास ऑलरेडी वेगा का 3-in-1 मशीन है, जहाँ पे क्रिम्पर, स्ट्रेटनिंग एंड कर्ली मशीन एक साथ है, लेकिन मैं पर्सनली आपको एडवाइस दूंगी, क्योंकि मैंने उसे सिर्फ 2 टाइम यूज किया है, उसके बाद मैंने उसे हाथ ही नहीं लगाया। मैंने जस्ट लिया था क्लाइंट्स पे यूज करने के लिए, क्योंकि मेरा पुराना स्ट्रेटनिंग मशीन खराब हो गया था। तो मैंने बोला 3-in-1 है तो क्रिम्पर बहुत चल रहा है हेयर स्टाइलिंग, तो वाई नॉट मैं ले लेती हूँ। तो मैंने उसे ले लिया, लेकिन जब भी आप स्ट्रेटनिंग करते हो कोई भी एक प्रोडक्ट, चाहे आप स्ट्रेटनिंग कर लो, चाहे क्रिम्पिंग कर लो, या फिर चाहे आप कर्लिंग कर लो, तो क्या होता है ना, वो अटकते हैं आपके बाल, मतलब दूसरे इसमें फंस जाते हैं और आपके बाल ज्यादा टूटते हैं। मतलब अगर आप एक इंडिविजुअल मशीन यूज करते हो उसमें इतने आपके प्रोडक्ट मतलब हेयर नहीं कर, मतलब हेयर फॉल होते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा होते हैं। तो इस वजह से मैंने बोला कि चलो नया मंगा लेती हूँ। तो ये इसका एक्चुअल कॉस्ट है गाइज 2499, यानी ये 2500 का है, लेकिन मुझे मिला है 1500 में, 1499 में। तो ये कैसे है एग्जैक्टली मैं आपको बताती हूँ। तो ये इसकी स्ट्रेटनिंग मशीन है, बहुत ही अमेजिंग सी है, ये लॉक भी हो जाती है, यहाँ पे ये लॉक हो गया, तो यहाँ से लॉक ओपन हो गया। और ये बहुत ही लाइट वेट है, इसको मतलब यूज करना बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। मैंने आज ही इसे यूज किया था, हल्का सा, ज्यादा नहीं किया था।
फिर दूसरा ये जो मशीन है ये तो उससे भी लाइट वेट है, कर्ली मशीन। तो ये कुछ ऐसे है, ठीक है। हाँ, और वो जो वेगा का 3-in-1 वाला था ना, उसमें एक डिफिकल्टी और एक थी, जैसे अभी हम कर्ली करते हैं या कुछ करते हैं ऐसे, ठीक है, तो हमने ऐसे पकड़ लिया, लेकिन उसको है ना वो होल्ड करना बहुत डिफिकल्ट था, तो जिस चक्कर में आपके हाथ बहुत बार जलते थे। अब यहाँ पे आप यहाँ पकड़ सकते हो, यहाँ नहीं पकड़ सकते हो, लेकिन वहाँ पे बहुत डिफिकल्ट है, तो वहाँ पे हाथ आपका जलता ही है। तो ये मेरे साथ 2 बार हो चुका है, इसलिए मैंने उसको ज़्यादा यूज़ ही नहीं किया और मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि मेरे स्मूथनिंग किए हुए थे। मैं जस्ट क्लाइंट्स के लिए, सपोज डैट कुछ मेकअप ऑर्डर्स वगैरह जब लेती हूँ तो इसके लिए मैंने लिया था, लेकिन ठीक है। पर प्लीज़ आप जा रहे हो तो फिर इंडिविजुअल के लिए जाइएगा, ये जस्ट मेरा एक सजेशन है, जो यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ कर लेते हैं। अब मैं आपको बताऊँगी। हाँ, तो मुझे ना इस मशीन के साथ ये लिवॉन का सीरम फ्री मिला है, वेगा के मशीन के साथ, ठीक है। और स्विस ब्यूटी के साथ ना मुझे एक लिपस्टिक भी मिली है, स्विस ब्यूटी की ही, तो वो ये ऐसी है। और शेड इसका न्यूड है, न्यूड काइंड ऑफ है, मतलब पीच पीच टाइप है। मैंने बोला ना न्यूड है, काइंड ऑफ पीच ही है, अच्छी है, काफी अच्छी है। तो ये फ्री मिला है और लिवॉन सीरम, तो लिवॉन मुझे हेयर स्ट्रेटनिंग मशीन के साथ एंड सो इस ब्यूटी ब्रश सेट के साथ मुझे लिपस्टिक मिली है। देन मैंने यहाँ पे लिया है NY का प्रोडक्ट, NY का प्राइमर लिया है, ये है NY का प्राइमर और ये है फेस प्राइमर फॉर ऑयली स्किन। तो मैं ऑयली स्किन वाला प्रोडक्ट इसलिए यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, तो मेरी क्लाइमेट के अकॉर्डिंग स्किन चेंज होती रहती है। तो इसका एक्चुअल कॉस्ट है 99, लेकिन मुझे मिला है 224 में, 224 में ये मिला है प्राइमर। अभी मैंने यूज़ नहीं किया तो इसके बारे में मैं कुछ आपको बता नहीं पाऊंगी कैसे है। फिर मैंने NYB का लिया है फर्स्ट बेस प्राइमर ऑयल, फर्स्ट बेस प्राइमर ऑयल मैंने लिया हुआ है और ये मैंने इसलिए लिया है ना, समटाइम मुझे ड्यूई लुक करना होता है तो उसके लिए लिया है मैंने। तो ये कुछ ऐसे आया हुआ है, तो इसका एक्चुअल कॉस्ट है 199, लेकिन ये मुझे मिला है 129 में, 199 है लेकिन 129 में मिला है। फिर मैंने लिया है NYB का ही लूज पाउडर, NYB के प्रोडक्ट्स मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, सबसे पहले तो एक ब्रांड है और सबसे चीप रेट में ये देता है, तो अगर जो भी बिगनर्स हैं उनके लिए भी अच्छा है। और ऐसे नहीं है कि मतलब जस्ट ऐसे ही है, सारे प्रोडक्ट बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अभी मैंने जितने यूज़ किए हैं ना जब अब तक के, तो सारे अच्छे निकले हैं, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है NYB की क्योंकि रीज़नेबल रेट भी है। तो ये है 275 का लूज पाउडर, ये मैंने लिया हुआ है ना व्हाइट कलर का, व्हाइट कलर का लूज पाउडर है, सेट करने के लिए, मेकअप सेट करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है अकॉर्डिंग टू योर स्किन टोन। तो इसका एक्चुअल प्राइस जैसे मैंने बताया 275 है, लेकिन ये मुझे मिला है 204 में, मतलब 204 रुपए में। तो NY के 2 प्रोडक्ट्स मैंने खरीदे थे, 3 प्रोडक्ट्स खरीदे थे, तो उसमें मुझे एक ब्रश फ्री मिला। इसमें ये चूजिंग था कि आप चूज कर सकते हो आपको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए NYB का, तो मैंने ये ब्रश लिया और इसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये भी बहुत मस्त है, तो ये है कबूकी ब्रश। तो ये मैंने क्यों लिया पता है, ये फाउंडेशन सबके लिए काम आ जाएगा और सबसे अच्छी बात इसकी मैंने खुद सिलेक्ट किया है क्योंकि उसमें आप अपना फ्री प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो आपको क्या चाहिए, तो मैंने ये इसलिए सिलेक्ट किया ना, ये आराम से पॉकेट में आ जाएगा, आप ट्रैवलिंग में बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो क्योंकि मेरा मेकअप एक ब्रश के साथ हो जाता है। तो ये मैं फाउंडेशन भी लगा सकती हूँ, पाउडर भी सेट कर सकती हूँ, सारी चीज़ें इससे कर सकती हूँ, तो ये आराम से पॉकेट में फिट हो जाएगा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। पर क्वालिटी अगर मैं कंपेयर करूँ ना एज़ कम्पेयर टू मतलब स्विस ब्यूटी की ब्रश की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू इसकी, लेकिन ये फ्री प्रोडक्ट है तो
फ्री में सब कुछ अच्छा होता है, फ्री में सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन अगर आपके स्किन के लिए कोई प्रोडक्ट होता है ना फ्री में, तो वो नहीं अच्छा होता है, क्योंकि सम टाइम आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। ये तो ब्रश है तो खैर ठीक है, लेकिन ये चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। अब लास्ट जो ऑलरेडी मैंने इससे पहले भी पर्पल हॉल किया है उसमें भी मैंने मंगाया है मेरा आईब्रो इन्हेंसर, जो बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि इसका जो कलर है ना ये ग्रे काइंड ऑफ है, तो ये मुझे मतलब मेरे फेस पे जो आईब्रोज है ना उस पे अच्छे से नेचुरल लुक देता है, तो मैं इसे यूज करती हूँ। देखिए यहाँ लिखा है एज ग्रे, और इसका एक्चुअल कॉस्ट है 175, लेकिन मुझे मिला है 131 में, तो ब्लू हेवन के प्रोडक्ट भी बहुत चीप रेट में होते हैं। तो ये इतना ही मैंने खरीदा है पर्पल से। सो गाइज ये सारे प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइस के साथ अगर मैं कंपेयर करूँ ना, एक्चुअल प्राइस है इसका 5221, तो पर्पल में 5221 इसका एक्चुअल कॉस्ट है, लेकिन डिस्काउंट करने के बाद ये हो जाता है 2903 में, लेकिन उसके बाद मुझे और एक मैंने कोड डाला तो उसके बाद डिस्काउंट होने के बाद मुझे मिला है 2838 में, तो 2838 रुपीज में, तो नॉट बैड डील, बहुत ही अच्छी डील है, क्योंकि अगर मैं शॉप पे जाके खरीदूंगी तो 5221 रुपीज में बहुत ज्यादा खिच करने के बाद मेरा 221 रुपीज कट होगा, 5000 में मुझे मिल जाएगा सारे प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पे मुझे 2316 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि बहुत ह्यूज है, मतलब आप खुद सोच सकते हो। तो आप भी पर्पल से शॉपिंग करिए, मतलब नायका से भी करिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पर्पल बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है, आप नायका से भी कर सकते हो। ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपको जो लेने हैं ना, नायका और पर्पल पे आप देखते रहिए कि आपको कितना डिस्काउंट मिल रहा है, तब आप खरीदिए। ये जब मैं स्विस ब्यूटी का ब्रश सेट खरीद रही थी तो मेरे साथ ऐसे ही हुआ, मैंने काफी बार उसको कार्ट में डाल के रखा कि अब खरीदूंगी, तब खरीदूंगी, अब खरीदूंगी, ऐसे ऐसे करके फाइनली मैंने खरीद लिया। जब मुझे ऐसा लगता है ना ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, मुझे अच्छे कोड्स मिल रहे हैं, और तो मैं ले लेती हूँ। तो अभी दिवाली ऑफर चल रहा था तो मैंने ले लिया। तो आई होप ये पर्पल की अनबॉक्सिंग आपको अच्छी लगी हो, और बीच में थोड़ी बहुत मेरी टिप्स आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़।